नेहा, नेहा क्या कर रही हो फोन में? कुछ बड़ा शो शुरू हो गया। हेलो, सॉरी वो कुछ इम्पोर्टेंट देख रही थी। सो सॉरी, मैं हूँ नेहा और ये है मानव। तो तैयार है ना आप सब बदलीपुर चलने के लिए? नहीं नहीं, आराम से, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तुम घुस जाओ और थोड़ी देर अपने फोन में। अरे यार क्या हो गया, सॉरी बोला ना। नया फोन लाया तो स्टाइल मार रही है। तुम जल रहे हो ना मेरे से? हाँ, तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी कि नेहा को नया मोबाइल कैसे मिल गया। नेहा तो लड़की है, इसको ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वही पुरानी सोच। अरे मैंने ऐसा कब कहा नेहा? तो कह दोगे, तुम लड़कों के लिए सब कुछ कितना इजी है ना, कोई सवाल नहीं पूछता। और हम लड़कियां, कहीं जाना हो या कुछ चाहिए हो तो 100 सवाल। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अभी समझ में आ जाएगा, ये आधा फुल का नया किस्सा देखो, आप सब भी देखिए और हम मिलते हैं कहानी के उस पार। ये हमारे फोन को हुआ क्या है भाई? सेट नहीं हुआ। हाँ, ओ तो मतलब हमारे फोन की सेटिंग्स को चाइनीज में तुमने किया है? हाँ जी भाई। इसे अभी चेंज करके दो। हमें तो नहीं आता। पर तारा, तारा तारा रुको, तारा प्रॉब्लम हो रही है, इसे चेंज करके दो। नहीं होगा। तारा तुम तो नहीं बची आज, आज तो तुम गई। तारा क्या कर रहे हो ये? तारा यार, तारा इसे ठीक करके दो हमें। तारा मत करो ये, बाबूजी आ गए ना। तारा क्या कर रही है? बाबूजी कुछ नहीं, बस हम तो ऐसे ही बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहे हैं। पर बाबूजी इस वक्त हमारा बाहर कोई क्या? जाके देखोगे तो पता चलेगा, जाओ। अच्छा हम वो क्या आते हैं? कैसी लगी? बाबूजी इस सरप्राइज की बात कर रहे थे आप। लगी कैसी वो बता। बाबूजी बहुत अच्छा सरप्राइज है, थैंक यू। अरे नारायण सिंह का बेटा है तू, उस टूटी हुई बैग पे घूमता नाक निकल जाती हमारी। और बाबूजी हमारी साइकिल। दमयंती इसे बताओ, ना 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 इसे समझाओ कि साइकिल पर बैठकर कहाँ जाएगी। जी तारा, तुम्हें पता है ना कि हमारे घर की लड़कियां कहीं नहीं जाती। प्रिंस बेटा, बाइक तो बहुत अच्छी है मगर जरा ध्यान से चलाना। दमयंती, गाड़ी और औरतों को वश में रखना मर्दों को अच्छे से आता है, इसे ये ना समझाओ। ऐश कर बेटा, जा। जी संभाल के चलना। जी माँ। तारा ऐसी लगी भाई की बाइक, चले घूमने। ये ले। अरे यार किट्टी, अरे किट्टी। हाँ। अरे मैं ये बोल रहा था यार, ये जो आदरी निक्की है, क्या आवाज है यार इसकी, मतलब इसे कोई रोक टोक नहीं है, फ्री है एकदम बेधड़क। अच्छा आवाज सुन के पहचान लेता है लोगों को। तो बताओ तारा का चेहरा देख के उसके मन में क्या चल रहा है? ले साफ साफ पता चल रहा है चेहरे का फ्यूज उड़ा हुआ है, जरूर घर में कोई दिक्कत हो गई इसके साथ। सही बोल रहा हूँ ना? अरे सही बोल रहा हूँ ना। बाइक दिलवा दी? नहीं। हाँ अच्छा नहीं, बाइक
राजा बेटा है ना, तो तेरे चेहरे पे क्यों 12 बजे हैं? हमें साइकिल नहीं दिलवाई। अच्छा, तभी मैं कहूँ दिमाग का तवा इतना गर्म क्यों है इसका? अरे कहते हैं कहाँ जाओगी साइकिल पे बैठ के। क्यों? प्रिंस को बाइक दिलवाने से पहले पूछा था कि वो कहाँ जाएगा। वो तो लड़के है ना, कहीं भी जा सकते। हमें कुछ करना हो तो 100 सवाल। अरे देख सुना, दिल छोटा मत कर, मेरी बाहुबली चला लेना, देश आजाद है। थैंक यू। क्या रे तू इतना क्यों हंस रही है? नहीं कुछ नहीं, पर अदरा तुझे नहीं लगता कि तेरी बाहुबली को थोड़ा आराम चाहिए? आराम की जरूरत ना तुम दोनों को है। मैंने तो 3 केस सॉल्व कर लिए, अब मेरा नाम होने वाला है जासूस अदरक सिंह बाहुबली वाले। अच्छा किटी, अदरक ने केस सॉल्व किए? तूने केस सॉल्व किए? केस तो हम दोनों ने सॉल्व किए, तुझे तो हर काम का पैसा मिला है। कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा? तू नहीं बोलता कि अदरक हर काम नगद नारायण के लिए करता है? तो तूने कौन से पैसे दे दिए? आज तक सिर्फ हिसाब में ही लिख रहा हूँ मैं। पर हमने मना भी तो नहीं किया। हाँ दोनों मुझसे चीटिंग मत करो, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझी? और वैसे भी हम तीनों तो टीम है ना, और तूने बोला था कि तारा के सामने सोच के बताएगी। हाँ तो सोच रहे ना, अभी तक तो आधा ही सोचा है, जब फुल सोचेंगे तो देखेंगे। बैठो तारा। हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम चली जा रही हो। वैसे तारा आज तुम अकेली, वो कहाँ है तुम्हारी सहेली? क्यों आपको क्या काम है उनसे? नहीं हमें क्या, हम तो बस ऐसे ही। ये खटारा दिखानी है? ये और खटारा। वैसे तारा अगर तुमको तुम्हारी साइकिल नहीं मिली तो उसका गुस्सा हमारी बाइक पे तो मत निकालो। नहीं नहीं मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। किसने फेंका ये? अरे प्लेन क्रैश हो गया। हमारी बाइक से टकराएगा तो ऐसा ही होगा। तारा तूने गाड़ी देखी है? अरे गजब गाड़ी है, गजब। चलती नहीं है वो, उड़ती है। और लुक्स, लुक्स तो पूछो ही मत, क्या लुक्स है। हाँ हाँ आपको तो बहुत पता है मोटरसाइकिल के बारे में। मोटरसाइकिल? कौन सी मोटरसाइकिल? मैं तो अदरक की बाहुबली के बारे में बात कर रही थी, तू भी ना। ओ अच्छा तू ये बाइक की बात कर रही है। बाइक ली तूने प्रिंस? सेकेंड हैंड है ना? एकदम ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू? ओ, फिर तो चलती भी होगी। सिर्फ चलती ही नहीं, दौड़ती है। सच? ऐसा क्या? दिखा तो। अब दौड़ा के दिखा। किटी, किटी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना? तारा, तुम यहीं रुको। हम चाबी लेके आए। किटी हमारी चा। ए तारा तू यहाँ अकेले? सबके पास चलाने के लिए कुछ ना कुछ, बस मेरे पास ही नहीं है। तेरे को चलानी है क्या? बाइक। किटी चाबी लेके भाग गई। तेरे को चलानी है या नहीं?
अरे अदरक कैसे चलाएंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दे और देख अदरक का जुगाड़। वो मैम हम तारों को ढूंढने आए थे। थैंक यू। पर मैम किस किस लिए? तुम एकदम राइट पर्सन हो, पता नहीं मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया। थैंक्स टू किटी, इसने कहा था कि ये प्रिंस कब काम आएगा। पर मैम किस लिए? डोंट वरी, अभी पता चल जाएगा। गर्ल्स लेके चलो इसे। पर मैम किस लिए? चलो सही। पर किस मैम लेकिन अरे डोंट वरी, अरे चलो। बोला था ना मजा आएगा। मजा तो आया, और धक्का मारना। ए तू पागल वागल है क्या? वो प्रिंस मुझे फोड़ देगा, मैं तो जा रहा हूँ। अरे 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 अदरक अदरक रुक। वेलकम प्रिंस, अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस की इस क्लास में तुम्हारा स्वागत है। सेल्फ डिफेंस राइट। किटी तुझे डर लग रहा है? लगने दे। जानते हो चाबी। अगर भाई ने देख लिया तो हमें छोड़ेंगे नहीं। भाई के आने से पहले कुछ तो करना होगा। पियो चाचा।
भी पता नहीं कहाँ चले गए। बाइक, अरे रुकिए, रुकिए, वो हमारी बाइक ही बाइक है, रुकिए। अरे हमारी बाइक कहाँ गई? और तारा, 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 तारा क्या हुआ? तारा बताओगी भी कि हुआ क्या? भाई भाई हमने कुछ नहीं किया भाई, सॉरी। भाई आपकी बाइक गिर गई थी। क्या? पर तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? ठीक है। तो बाइक कहाँ है हमारी? हमने वही तो खड़ी की थी। वो हम वहां से थकर लेके यहाँ तक लाए थे। क्या तारा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? अब बाइक है कहाँ? हमें दिख नहीं रही। भाई आपकी बाइक चोरी हो गई। तारा मजाक मत करो भाई, सच्ची भाई सॉरी, हमने कुछ नहीं। पागल हो क्या? बाइक थी हमारी, कोई गुड़िया नहीं जो खो जाए। सेकंड, क्या हुआ और तू चिल्ला क्यों रहा है? इस पे दिख नहीं रहा, रो रही है ये। क्या हुआ तारा, बता ना मुझे। वो भाई की बाइक, सॉरी भाई। क्या सॉरी? पता कितने की बाइक थी हमारी, और तुमसे कहा था बाइक का ध्यान रखना। बाबूजी सही कहते हैं, लड़कियों को ना कुछ नहीं देना चाहिए। प्रिंस, जानबूझकर नहीं किया इसने, कूल डाउन। ऐसे बात करते हैं अपनी बहन से, और वो भी एक बाइक के लिए? तुम बीच में मत पड़ो। नाम एकदम नई बाइक थी हमारी, और तारा की वजह से ना। तो क्या तुम्हारे चिल्लाने से बाइक वापस आ जाएगी? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ढूंढ लेंगे बाइक को, पुलिस में कंप्लेन करेंगे, मिल जाएगी तुम्हारी बाइक। पुलिस से कुछ नहीं होगा। और हम घर पे क्या बोलेंगे? ए, कोई बाइक कैसे लेके चला गया तुम्हारे सामने से? क्या करेगी तुम? जी डरी हुई है थोड़ी, हम इसे बाद में पूछ लेंगे। क्यों अभी मुंह नहीं खुल रहा? साइकिल पे तो बहुत जल्दी मुंह खुल रहा था। नारायण चुप रहो। ईश्वर की नाक के नीचे कोई उसके पोते की बाइक उठाकर ले जाए, हो ही नहीं सकता। परेशान मत हो, जल्दी मिल जाएगी। जब तक बाइक नहीं मिल जाती, इसका बाहर आना जाना बिल्कुल बंद। दमयंती, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझी? प्रिंस तो मेरे साथ आओ। जी तेरी बारी, तू भी ऑन हो जा। मेरे बाप आज ऑन हो जा यार, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके पुरानी बैटरी लाया हूँ कहीं से। हो जा आज, हो जा बस, फुल ऑन निक्की निकल गया तो। बस क्या नाम बताया? प्रिंस। अरे मैडम, ये तो उसका नाम हो गया जिसके नाम पे मोटरसाइकिल है। मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है? रोशनी। मोटरसाइकिल कहाँ से घूमी? मेरे स्कूल के बाहर से। मोटरसाइकिल किसने चुराई? सर ये मुझे कैसे पता होगा, ये तो आप बताएंगे ना। आप? हाँ मैं ही बताऊंगा। कलर बताइए, कलर कैसा था?
कलर? मैडम आपको कलर का नहीं पता, मोटरसाइकिल किसकी, नाम किसका, यो खामा खामा आप हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। चलिए निकलिए, हमें बहुत काम है यहाँ पे, जाइए चलिए। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज आप FIR लिखिए। पुलिस स्टेशन में भी पुलिस पे रॉब। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर और पुलिस को तो एक दूसरे से काम पड़ता रहता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो बाइक चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट लिखवाने आई थी। बाइक? आप बाइक चला लेती हैं? ओ भाई साहब ये पुलिस स्टेशन है, कोई गार्डन नहीं है, चलिए निकलिए यहाँ से, हमें बहुत सारे काम है, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है, चलो। जी बिल्कुल, FIR लिखने के अलावा। ओ मैडम मोटरसाइकिल गुम हुई है, कोई बैंक नहीं लुटा है जो आप हम पे इतना रुबाब झाड़ रही हैं। प्रिंस की बाइक थी। आप एक काम क्यों नहीं करते, प्रधान जी से जाके कह दीजिए कि इन्होंने, क्या नाम है आपका? हाँ अमन शर्मा ने FIR लिखने से मना कर दिया। प्रधान जी बीच में कैसे आ गए? क्योंकि वो प्रिंस के दादाजी हैं, इसलिए। अरे मैडम बैठिए बैठिए, लिख रहा हूँ मैं, बैठिए मैडम। ओ ओ कन्हैया जा जा, ठंडा लेगा मैडम के लिए। मैडम कैसा वाला लेंगी मैडम, काला वाला लेंगी या? बैठिए बताइए बताइए, कहाँ से चोरी हुई थी मैडम? वो स्कूल के बाहर से बाइक चोरी हुई है और बस बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। थैंक यू। अरे किट्टी मैं क्या कह रहा था, आज ना मैं इस प्रिंस के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अरे हुआ क्या पर ये उड़ान देवी जी, इन दोनों में से एक को बदलीपुर के बाहर सेट कर। तू रुक किधर ही, समझता क्या तू अपने आप को? हो अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तू और तेरा एटीट्यूड प्रॉब्लम है मेरी। तेरी एक बाइक क्या गुम हो गई? इतनी जोर से तारा पे चला दिया तूने, वो भी सबके सामने। एक पल को भी नहीं सोचा ना कि वो लड़की जो पूरा दिन भाई भाई करके तेरे पीछे दौड़ती है, क्या फील हो रहा होगा उसको? ऐसा कुछ नहीं बोला हमने, और वैसे भी तारा ही गलती थी ना। उसकी गलती थी, तुझसे तो कभी गलती होती ही नहीं है, और अगर हो भी गई तो कौन चिल्लाएगा तुझ पे? वो तो उस पे चिल्लाएगा क्योंकि वो लड़की है। बेटा गलती करे तो सब माफ है, और बेटी गलती करे तो लगते हैं सुनाने के लिए। मुझे तो लगता है कि बच्चों के साथ साथ इनके माता पिता को भी समझाना पड़ेगा LLDB के बारे में। LLDB लड़का लड़की दोनों बराबर। वैसे मैं किससे शेयर कर रही हूँ ये सब? किससे मतलब? आप भी तो उसी बिरादरी से हैं। तो आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझूं, आपको या आपकी बातों को? ओ हेलो बकवास बंद करो, तुम लड़कियां ना होती स्टूपिड हो। स्टूपिड? हम लोग स्टूपिड होते हैं? हम लोग स्टूपिड होते हैं, और तुम लोग क्या होते हो? पागल हो गई है क्या? शांत हो। ओ हेलो संभाल से, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। आज बहन से ज्यादा बाइक इंपॉर्टेंट हो गई तुझे, संभाल इसको। अरे तू पागल है क्या? छोड़ छोड़। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। आप तो सब कुछ कर सकते हैं,
तो हमारे भाई की बाइक को ढूंढ दीजिए ना। ये ना सब कुछ कर सकता है स्कूल जाने के अलावा। वैसे वो बाइक तो अब तक दिख भी नहीं होगी। वैसे चोरी हुई बाइक कौन खरीदेगा? मैं प्रधान जी से पूछ के आता हूँ। अबे आजादरा, जब तुझे पता है ये सब काम चोरी छुपे होते हैं फिर भी पूछ रही है, खुले आम नहीं होते। तो फिर अब? वैसे एक ही आदमी है जो इन सब बाइक्स की डील करता। तुझे इन चोरों के बारे में इतना कैसे मालूम? जो सड़कों पे घूमते हैं ना, और दुनिया की हर चीज के बारे में पता होता है। यार कोई देख लेगा ना, मेरी बात सुन। चुप, इधर खड़ी है। और यहाँ से हिलना मत। मैं क्यों? जब तक मैं ना हूँ यहाँ से हिलना मत, समझी? अरे जल्दी आ, ध्यान रख। बिल्कुल यहाँ है। नमस्कार वाली भाई, कैसे हो? अरे बाइक चाहिए थी ऐसी एक, मतलब कुछ ऐसी, बड़े दिनों से बाइक ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं रही। अरे वाली भाई अकेला आया हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? अदरक कहाँ ले आया है? बदलीपुर से इतनी दूर, अगर कोई गड़बड़ होगी तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। होप सब ठीक हो। चल आजा। चल 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 चल, बाइक दिलाते हैं तुझे। आओ जग्गू भाई का आदमी। पैसा, बाइक, बाइक, बाइक। देख बच्चों, जरा भी गड़बड़ मिली ना तो समझा कर दो, समझा? देख बाइक, देख बाइक। अच्छी बाइक है, अच्छी बाइक है। वो कुछ पुरानी नहीं, थोड़ा न्यू बैकपैकिंग टाइप मिलेगा। चोरी वोरी का जो नया माल आया हो ऐसा कुछ? कुछ चोरी का माल। अदरक को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? क्या बोला रे? चोरी का माल। हमने बोला था ना सल्फेट नहीं है। हम जो कल बाइक चोरी हुई उसी को ढूंढने आया ना तू? नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो इतना मासूम हूँ, शक्ल से मैं कौन सी बाइक ढूंढने आऊंगा। नहीं नहीं, किसका आदमी है? सच बोल। किसी का नहीं, किसी का। बार कौन? मुझे नहीं पता। कौन है तेरे साथ? अरे मुझे वाली, हमाली से क्या रे? भाई कौन सुन के? माली,
प्रिंस की बाइक है। भाई जी अब वो छोकरा भाग गया। अबे तू कर क्या रहा था वहां पे? भाई जी मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे हाथ पे काट लिया। चल अब जल्दी यहाँ से निकल ले, हो सकता है वो पुलिस का आदमी हो। हाँ। चल चल। अरे कैसे चला लेता ये बाइक? अरे भैया बाइक देख के तो मुझे गले ही लगा लिया। ओए ये तो प्रिंस की बाइक है। अदरक तेरे पास प्रिंस की बाइक कहाँ से आई? अबे आई कहाँ से, इसी ने चोरी की थी। ए हेलो, ये सजा दे तो कुछ भी बोलोगे क्या? बोलेंगे बोलेंगे नहीं मारेंगे भी तुझे। हाथ मत लगा, मैं मारूंगा तो मारूंगा। प्रिंस भाई सॉरी भाई, मिस्टेक। नो मिस्टेक। प्रिंस अबे किड्डी तुम यहाँ क्या कर रही हो? उठ 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 उठ, पागल हो गया क्या तू? अदरक को क्यों मारा था? क्योंकि इसने हमारी बाइक चोरी की। अरे छोड़, बाइक चोरी का असर ना दिमाग पे पड़ गया तेरे। अरे इसने तो तेरी बाइक ढूंढी, किसी और ने चुराई थी यार, पागल। चल जानवरों के बीच में अपना कोई काम नहीं। क्यों मर गया भगवान? उठ बेटा, आ धीरे 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 ये ले, जल्दी से ही हल्दी वाला दूध पी ले, तभी तो ठीक होगा। जल्दी। ये तो बहुत कड़वा है। हाँ तो वहाँ के लप्पड़ तो बहुत मीठे थे, खा ले तूने। अरे मार दिया। सॉरी 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 बेटा, बेटा हल्दी वाला दूध पी ले, कड़वा तो क्या हुआ, जल्दी ठीक करेगा। पी ले पी ले पी ले। आप बहुत अच्छे हो ब्यूटी आंटी। ज्यादा बटर मत लगा, वो तेरे लिए बैटरी लाई थी मैं, ये ले। वो तेरा क्या था, फुल 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 ऑन निकी। हाँ हाँ भाई, आराम से सुन लेना। वाह जमाना इतना भी बुरा नहीं है, आप सही में बैटरी लेके आ गई। हाँ हाँ मैं तो बहरी हूँ, मुझे तो तेरा कहा कुछ सुनाई नहीं देता। बेवकूफ, मैं जो बोलता भी नहीं हूँ ना, आप वो भी सुन लेते हो। ब्यूटेंटी क्लाइंट। अरे आई आई, क्या करवाना है आपको? बोले ना क्या कराना है आपको? हेयर कट। आप बैठिए मैं बस दो मिनट। वैसे नाम क्या है आपका, कभी देखा नहीं यहाँ पर। काम्या। ओह काम्या, बाल तो अच्छे हैं आपके, क्यों कटवाने हैं? और स्किन भी देखो कितनी ग्लो कर रही है, जरूर हरी सब्जी खाती होगी। क्या नाम है तुम्हारा? काम्या। काम्या देखो कुछ भी खा पी लेना, लेकिन ना जिंदगी में ये हल्दी वाला दूध मत पीना। तू ये हल्दी वाला
वाला दूध पीता है या मैं आके पिलाऊं? पी रहा हूं, पी रहा हूं। कौन रखा है भाई ये डब्बा? आपने तो नहीं रखा है। मैं बम बम तो नहीं है यार। सॉरी अदरक, सॉरी। कौन है बे? अरे लड्डू लाया तू? तुम लोगों ने रखा है ना ये? नहीं तो फिर किसने रखा? अच्छा वैसे सॉरी, हाँ वो हमारी वजह से आपको मार पड़ गई ना। कोई बात नहीं, पकड़िए। तूने सॉरी बोल दिया, प्रिंस सॉरी बोलेगा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। मुझे इस डब्बे का संबंध ना उस चोर से लग रहा है। क्या? चोर से? हाँ। और ऐसा आपको क्यों लगता है भाई? बस लगता है। इसे छोड़ना मत। वो बाइक चोर था। पर यार बाइक चोर सॉरी क्यों बोलेगा? वो भी मिठाई के डब्बे के साथ। क्या पता जैसे हमें साइकिल चलानी थी उन्हें मोटरसाइकिल चलानी होगी। और चलाकर वहीं वापस खड़ी कर देनी हो है? शायद। कुछ भी हो हमें उसे पकड़ना तो है। मुर्गे को पकड़ने के लिए दाना डालना पड़ेगा। मतलब एक नई बाइक चाहिए होगी। अच्छा आजा, कोई तो आजा यार, प्लीज ये बाइक उठा के ले जाओ। अब हमारी मानो तो ये सब बंद कर दो। अब हमने अपनी बाइक तो ढूंढ ली है, तो चोरों का क्या करेंगे? हमने ढूंढ ली? अब हमारा मतलब तुम दोनों ने ढूंढ ली है। हाँ, ऐसा बोल। और अदरक को तो हमने सॉरी ही बोल दिया, तो अब इस बात को यहीं निपटाओ ना। ठीक है हो जाता है। लेकिन भाई तुझे किसी और से भी सॉरी बोलना। तारा उस दिन हम थोड़े परेशान थे और तुम तो जानती हो ना अपनी बाइक को कितना प्यार करते हैं हम। हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम क्यों आके बैठ गई? हम तारा से बात कर रहे हैं, तुमसे नहीं। और वैसे भी जब तुम्हारे सामने होती हो ना तो ऐसा लगता है कि हम तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं। वैसे तूने अभी तक किसको भी सॉरी बोला नहीं। तारा सॉरी। अब भाई बहन में इतना तो चलता ही है ना, बट आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। खाइए बाइक की कसम। बाइक की कसम? रुक, रुक, रुक। प्रिंस। हम इसका पीछा करते हैं, कोई हमें फोन करो, हम तुम्हें बताते रहेंगे। हाँ। Thank you.
तो गजब बाइक चला रहा है। उसकी टशन में मत आ, कहीं देखना ले वो तुझे। बदलीपुर के बाहर जा रहा है, हम उसका पीछा करते हैं। भाई अगर आपको आगे खतरा लग रहा है तो आप प्लीज वापस आ जाइए। डोंट वरी, अब तो चोर पुलिस का खेल शुरू हुआ है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बाइक चला। ये तो वापस बदलीपुर की तरफ जा रहा है, हम इसका पीछा करते हैं। बहुत दौड़ा लिया बेटा, अब मुंह दिखाएगा टाइम है, निकाल इसे। चोर नहीं है, कामयाब। तू जानता है इसे? क्या कर रहा है? जानता है कि नहीं? हाँ कामयाब। एक लड़की को बाइक पर देख के होश उड़ गए। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी बाइक चुराई और दौड़ाई और फिर वापस भी लौटा दी। वैसे ये भी हमारी है, ना चाबी दे। कितनी अच्छी बाइक है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। क्रेजी समझते हो, मैं क्रेजी हूं बाइक्स के लिए। देखो कामया, अगर तुम्हें ऐसे कुछ भी पसंद आ गया तुम उसे उठा के लेके नहीं जा सकती ना। कुछ भी नहीं, सिर्फ बाइक्स, बाइक। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरी धुलाई हो गई। ठीक है, इट्स ओके, मतलब देश आजाद है। देखो मैं कोई चोर नहीं हूँ। अच्छा? हाँ, बस एक लड़की हूँ जो अगर बाइक चलाएगी तो खानदान के नाम खराब हो जाएगा। सेम टू सेम, जैसे हमें साइकिल चलाना अलाउ नहीं। देखो कम, हमारी सोसाइटी ऐसी है, क्या करें। अब फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम बनाने वाले सांचे अलग होते हैं और गुजिये बनाने वाले अलग, लेकिन दोनों का तो काम सेम ही होता है ना, शेप बनाना। वैसे ही लड़का लड़की का प्रॉब्लम है, लड़का ये करेगा और लड़की ये, और अगर गलती से दोनों के काम एक्सचेंज हो गए तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। बवाल है, मना भी है तो क्या। माँ बाप से बात करो, माँ बाप से बात करोगी तो बात करने से बात बनेगी ना। तुम्हारे यार माँ बाप है, दुश्मन नहीं है। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर बाइक्स के बिना लाइफ चलेगा। अरे तुम्हें कभी बाइक चाहिए हो तो हमसे बोरो कर लेना, जब मन चाहे। तुम सब इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। थैंक यू। क्या मतलब बोरो? मतलब क्या बोरो? मतलब ये कि अगर तू स्कूल जाता तो तुझे बिल्कुल समझ में आ जाता। चल रहे, वैसे हम है प्रिंस, सिर्फ नाम का। देश आजाद है। यार अजीब बात है ना, अगर ये कामया के माँ बाप उसकी बात सुन लेते तो इतना बड़ा लफड़ा ही नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है, हमारे माँ बाप हमारे लिए इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं
और जब एक छोटी सी बात आती है इतना सोचते हैं। हाँ हमने एक साइकिल ही तो मांगी थी। यार मेरा इस मामले में ठीक है, मैं तो डायरेक्ट जाके बात कर लेता हूँ, तुम लोग क्यों नहीं ट्राई करते? अभी मैंने ब्यूटी आंटी से बोला मुझे रेडियो के लिए बैटरी चाहिए, एकदम ही ला दी। अच्छा वैसे हमारे 4 केस हो गए। वैसे देखा जाए तो तुम लोग को नहीं लगता कि हमने इतने सारे केसेस सॉल्व कर लिए, जैसे वो मिलन देव वाला, फिर वो भूत वाला और तेजू वाला, उसका तो भूल ही गई। हाँ वो भी। तुम लोगों को नहीं लगता कि हमारी वजह से कितनी चीजें ठीक हुई हैं बदलीपुर में? तो अब तो मानती है ना कि अपनी टीम है, कुछ आधा आधा नहीं है। आधा क्यों, फुल है। ये बात मतलब अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि अपनी टीम का ना बढ़िया सा नाम होना चाहिए। हाँ केटी कैसा है? किटी अदरक तारा? नहीं त्रिदेव। नहीं चुप कर, सोचो ना। देखो लाइफ में कभी कभी मन का आधा होता है, कभी कभी फुल, जैसे आधा फुल। आधा फुल, आधा फुल, आधा फुल, आधा फुल। आधा फुल, आधा फुल। आधा फुल। बात तो बिल्कुल सही कह रही हूँ नेहा, ये लड़की होना आसान नहीं है, हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। और नहीं तो क्या? और बेचारी काम्या आखिर चाहती क्या थी? बाइक चलाना। लेकिन लड़कियां बाइक चलाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? लड़कियां तो घर का काम करती है ना, बाइक वाइक कैसे चला सकती है? बेचारी चोरी छिपे अपनी ख्वाहिशें पूरी करती रहती। देखो ना तारा के पापा ने भी उसको साइकिल नहीं दिलाई। मम्मी पापा सुनिए, कब तक ये लड़का है और वो लड़की है सोचकर अंतर करते रहेंगे? बदलने में क्या बुराई है? अगर बदलाव से कुछ अच्छा होता हो तो। क्या बात कही है नेहा, कमाल कर दिया तुमने। वैसे ठीक है, लड़कियों के मन को मारिए मत, उड़ने दीजिए उनको खुले आसमान में, फिर देखिए आप ही का नाम रोशन करेगी। तो बताइए आज जो तारा और काम्या के साथ हुआ है, अगर आपके साथ या आपकी बहन के साथ होगा तो आप क्या करेंगे? अरे आपस में बात कीजिए और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढिए जो आधा फूल देखने के बाद आपके मन में उठे हैं। वैसे मानव एक सवाल तो मेरे भी मन में है। पूछो। ये जो नई टीम बनी है किट्टी तारा और अदरक की, नाम है आधा फूल। ये कैसा नाम है, आधा है कि फुल है? फुल कंफ्यूजन है। मैं बता दूं, ये जो किट्टी तारा और अदरक है ये तीनों बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन रुकावटें भी बहुत हैं। उड़ने को आकाश तो है पर बहुत सारी बंदिशें हैं। आंखों में सपने हैं लेकिन सपनों पर समाज का पहरा भी, इसीलिए ये आधा भी है और फुल भी। करेक्ट। और जो हर आधे को फुल करके दिखाएगा वही तो जग में आधा फुल कहलाएगा, राइट? करेक्ट। आप समझ गए ना? ठीक है फिर हम अभी चलते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय।